अहमियत मुझे तब पता लगी जब पहले दिन शूट पे मैंने वो यूनिफॉर्म पहना, और मैं बताता हूँ इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, यू नो, आपकी चाल बदल जाती है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पे आ जाती है. एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल इंसिडेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. मैं पटियाला कैंट एरिया में शूट कर रहे थे हम, और वहाँ की एक रेजिमेंट थी हाथी रेजिमेंट, उन्होंने हमें डिनर पर इन्वाइट किया. एंड काफ़ी यंग कैडेट्स थे, कैप्टन्स थे, लेफ्टिनेंट्स थे, मेजर्स थे, सारे वहाँ पे मौजूद थे. दे वर वेरी स्वीट. एंड हम काफ़ी समय हमने स्पेंड किया, रात के 2-3 बज गए थे. एंड फिर उन्होंने मुझसे पूछा, अरे यार तुम्हारा कल का क्या प्लान है? मैंने कहा यार कल छुट्टी है, बहुत दिनों बाद तो हम आराम करेंगे. मैंने कहा यार आपका क्या प्लान है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, 5 बजे उठना है, 25 किलोमीटर की दौड़ है, फिर ये ड्रिल है, फिर वो ड्रिल है. मैंने कहा यार आई एम सो सॉरी, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मुझे पहले जाना चाहिए था. And he said something which I will never forget in my life. He said with a smile on his face, कहते अरे विक्की कोई दिक्कत नहीं, हम रोज आज को आज की तरह जीते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल हमारी तस्वीर कब अखबार में आ जाएगी. एंड ये बात उन्होंने, एंड ही वॉज अ 26-year-old कैप्टन, एंड वो उन्होंने एक स्माइल के साथ बड़े गर्व के साथ ये बात कही थी. तो आई थिंक सल्यूट है इस जज्बे को, इस स्पिरिट को, कि उनकी एक लाइन है कि सर्विस बिफोर सेल्फ, और वो ट्रूली इस लाइन को फॉलो करते हैं.